हिमाचल प्रदेश जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे 2000 से भी ज़्यादा मंदिर हैं। यहाँ हर जगह आपको छोटे बड़े मंदिर मिल जाएंगे जिनकी अपनी मान्यता और विशेषताएं हैं। आज आपको दर्शन करवाएंगे कांगड़ा ज़िला में देहरा के रानीताल चेलिया गांव में श्री शेष नाग देवता के मंदिर के। यहाँ इन दिनों श्री शेष नाग देवता के मेले लगे हुए हैं। ये मेले सावन के महीने शुरू होते हैं। अब भादो महीना खत्म होते ही मेलों का विधिवत समाप्त होने जा रहा है, लेकिन दर्शनों के लिए यह मंदिर पूरे साल खुला रहता है। आजकल श्रद्धालुओं को रोजाना यहाँ आना जाना रहता है। यहाँ समय समय पर नाग देवता दर्शन देते रहते हैं। विशेषकर भक्त शनिवार व रविवार और मंगलवार को ही दर्शन करने आते हैं। सप्ताह के 3 दिन बड़ा मेला होता है। पुजारी रविंद्र जमुआला कहते हैं कि भक्तों के लिए नाग बाबा जी ने सब दिन एक बराबर कर दिए हैं। भक्त अब हर दिन यहां नाग देवता के दर्शन कर सकते हैं। नाग देवता साक्षात दर्शन भी दे रहे हैं। समय समय पर यहां प्रत्यक्ष रूप में अपने भक्तों को श्री शेष नाग देवता दर्शन भी देते हैं। इस मंदिर की विशेषता ये है कि जिस किसी को भी सांप बिच्छू काट ले तो मात्र 3 बार परिक्रमा कर काटे गए स्थान पर धागा बांधने और यहाँ की चमत्कारी मिट्टी का लेप लगाने से रोगी को निजात मिलती है। जमुआला नाग अपने भक्त को मौत के मुंह से भी निकाल आते हैं। श्री शेष नाग देवता को जमुआला नाग भी कहा जाता है। सैकड़ों वर्ष पहले जम्मू से कुछ जमुआला परिवार यहाँ हिमाचल आकर बस गया था, लेकिन श्री शेष नाग देवता जम्मू में अकेले ही रह गए थे। फिर परिवार के एक बुजुर्ग को श्री शेष नाग ने सपने में दर्शन देकर उनके पास यहाँ हिमाचल प्रदेश में रहने की इच्छा जताई। फिर जमुआला परिवार के लोग ढोल नगाड़ों के साथ पालकी में श्री शेष नाग देवता को यहाँ रानीताल के पास शेलिया गांव लेकर आ गए। तभी से यहाँ भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। साथ सावन के महीने से शुरू होते ही 2 महीने के लिए मेले भी शुरू हो जाते हैं। पहले लोग मंगलवार शनिवार को ही मनोकामना लेकर या मनोकामना पूरी होने पर आते थे, लेकिन अब कुछ सालों से यहाँ 12 महीने हर दिन लोग हाजिरी भर रहे हैं। यहाँ कतारों में खड़े होकर श्री शेष नाग देवता के दर्शन करते हैं। भक्त यहाँ की चमत्कारी मिट्टी अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। मान्यता ये भी है कि इस मिट्टी को अगर हम अपने घर के आसपास पानी में घोलकर छिड़के तो जहरीले सांप बिच्छू घर में नहीं घुसते और इनके काटने का भय भी नहीं रहता। अगर किसी को काल सर्प योग हो तो शेष नाग देवता के दर्शन कर ले तो काल सर्प योग से निजात पाया जा सकता है। मंदिर के पुजारी रविंद्र जमुआला, राजेश्वर जमुआला व नरेंद्र जमुआला कहते हैं कि श्री शेष नाग देवता के चमत्कार से यहाँ सांप बिच्छू के काटे लोग ठीक होते हैं। प्रसाद में दी जाने वाली चमत्कारी मिट्टी जिसके लेप से और चमत्कारी धागा बांधने से जहरीले विष से निजात मिलती है। पुजारी ने बताया कि सावन महीने के दिनों में यहाँ 2 महीने मेले लगते हैं और श्रद्धालु श्री शेष नाग देवता से मन्नत मांगने आते हैं। पुजारी रविंद्र जमुआला ने बताया कि श्री शेष नाग देवता भक्तों को सार्वजनिक रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। रविंद्र जमुआला पुजारी का क्या कहना है आप सुनिए। यहाँ पर जो सावन भादो के मेले चले हुए हैं और इस बार नाग देवता जी ने मंगलवार को दर्शन दिए। एक दो घंटे रहे सभी भक्त जनों ने दर्शन किए। यहाँ पर जो भी लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं वो पूर्ण होती है। यहाँ पर जैसे नई फसल जैसे होती है, जैसे गेहूं है, मक्की है, चावल है, वो यहाँ पर चढ़ाया जाता है। और यहाँ पर जिस किसी को सांप बिच्छू वगैरह जाए वो यहाँ ठीक हो जाता है। उसको जो यहाँ की चक्कर है उसको मिट्टी घोलते हैं, वो देते हैं लगाने के लिए, खाने के लिए, और परिक्रमा कराते हैं, धागा बांध करके देते हैं। और यहाँ पर इस बार भी हर वर्ष की तरह 14 सितंबर को नाग देवता के मंदिर में भंडारा है। और मेरा सभी भक्तों से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और नाग देवता के दर्शन करें आशीर्वाद में और भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें। डॉक्टर केवल कृष्ण नंदा जो कि श्रद्धालु हैं उनका क्या कहना है सुनिए। अधिकतर यही मेरा क्षेत्र है कि और सबसे बड़ी बात ये थी बड़ी दूर दराज से लोग आते ही आते हैं। शनिवार मंगलवार ये प्रमुख बार है और अब तो आजकल तो ऐसे माहौल बन चुका है
कि हर एक बार को यहाँ जब भी किसी भी कार्य किसी बात करता है तो यहाँ जो है प्रतिमा करके रजनीश कुमारी जो श्रद्धालु हैं उनका भी क्या कहना है सुनिए। मेरा नाम रजनीश है और हम प्रागपुर से आए और हम नाग मंदिर में बचपन से रहते हैं। तो नाग मंदिर की मान्यता है कि जैसे भी मतलब बचपन से जब हम आते हैं मम्मी पापा कि नाग मंदिर जो है देवी देवता माने जाते हैं सभी लोग जैसे कि आपकी मान्यता जो भी पूरा करते हैं। देहरा से समाचार फर्स्ट के लिए ब्रजेश्वर साकी की रिपोर्ट।